महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अकोला में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाना पटेल पर पैर धोया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कार्यकर्ता का नाम विजय गौरव है और यह बुलढाणा जिले के शेर गाँव का रहने वाला है। बताया गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एक कार्यक्रम के लिए अकोला गए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने संत गजानन महाराज की पालकी के दर्शन किए, जिससे उनके पैर कीचड़ से सन गए। एक कार्यकर्ता ने जब यह देखा तो उनके कीचड़ से सनी पैरों को धोने लगी। इसी बीच किसी ने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। नाना पटोले के पैर कीचड़ से सने हुए थे और उन्हें तुरंत नागपुर रवाना होना था। उन्होंने किसी से अपने पैर धोने के लिए पानी मांगा और जैसे ही कार के पास पहुंचे, एक कार्यकर्ता सामने आकर उनके पैर धोने लगा। यह वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी हमलावर हो गए और उन पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी में जो शहजादा नवाबी माई बाप मानसिकता है, उसका परिचय नाना पटोले ने तब दिया जब उसने अपने कार्यकर्ता से अपने पैर धोए। सोचिए, कांग्रेस में इतना अहंकार, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जो डायनेस्टी में तो है ही, टिकट केवल डायनेस्टी के लोगों को जाएगा, सीट केवल डायनेस्टी के लोगों को मिलेगी, और वही डायनेस्टी एंटाइटलमेंट मानसिकता अब नाना पटोले जैसे लोगों में। नाना पटोले अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से पैर धुलवा रहे, वो भी सत्ता में आने से पहले। सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करवाएं। और नाना पटोले बेशर्मी से बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ, मतलब पैर धोना गलत नहीं है उनके लिए, वीडियो बनवाना गलत है। ये कांग्रेस की वीवीआईपी एंटाइटल्ड मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस मतलब एंटाइटलमेंट, कांग्रेस मतलब शहजादा मानसिकता, कांग्रेस मतलब नवाबी सोच, कांग्रेस मतलब मैं तुम्हारा माई बाप, कांग्रेस मतलब जनता और कार्यकर्ता गुलाम। ये है कांग्रेस पार्टी।